गाइज कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज रेनू यू के ब्लॉग में आपका स्वागत है, मैं रेनू आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर आदि गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तो आइए हम जाने गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो ये लड्डू मेरी बहन और मेरी मम्मी मिलके बना रहे हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं। मैं फर्स्ट बार देख रही हूँ, जो डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस को दूर करने के लिए भी गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। मेरी मम्मी ये लड्डू मेले बना रही है, तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको इसकी विधि। नारियल को कद्दूकस कर लिया है हमने। अब हम गोंद को भूनेंगे, और गोंद तब तक भूनना है जब तक ये फूल ना जाए। इसे हमने भून लिया है और अब फ्राई हो रहा है बादाम मसाले। तो गाइस मेरी मम्मी बना रही है गोंद के लड्डू। तो ये है, ये आटा है और इसे भून रहे हैं। इसमें क्या क्या डाल दिया मम्मी? तो गाइस ये है ड्राई फ्रूट, इसे हमने अच्छे से बारीक कर लिया है, और ये है गोंद, सर टाइट से लगा है, ये अच्छे से भून लिया है हमने, और ये है मक्खना, ये हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और ये है नारियल, इसे हम कद्दूकस कर लिया हमने, और ये है आटा, इसे हम अच्छे से हमने भून लिया है। इसे तब तक भूनना जब तक कि ब्राउन सा होता है, और देखिए देखने में कितना अच्छा लगा। तो चलिए इसके साथ साथ हम अब आपको दिखाते हैं, इसमें हमने बेसन भी ऐड करेंगे हम इसमें। ये गुड़ की चाशनी तैयार। इधर देखो रे, हीरो हीरो, मेरा हीरो, मेरा हीरो। तो गाइस ये है हैप्पी, जिसका नाम है हैप्पी, बहुत फेमस आदमी होगा, बहुत फेमस। इसका भी ब्लॉग है मेरा नाम, आई एम हैप्पी इनसाइड ही, इंस्टाग्राम वाला है। वहाँ देखिए जरा, ये तेरे पास देख रहा है टक लगा के। तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे गुड़ की चाशनी। गुड़ की चाशनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू कितने स्मूथली बन रहे हैं, और ये लड्डू बना रही है मेरी बहन। ये लड्डू कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलो मैं भी ट्राई करती हूँ एक आध लड्डू बनाना। भाई मेरी मम्मी बोल रही है मेरे को सगुन नहीं है बनाने का, ये मेरी बहन अच्छे बनाते ही है ना, ये पूरी मेहनत इसी की है, पर ये बोल रही है मेरी शक्ल मत दिखाना, पता नहीं क्यों ये बोलती है, तो झोला छाप ब्लॉगर है इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं, जब मैं बड़ी ब्लॉगर बन जाऊंगी ना, तो तब क्या पता तब वो बोल रहे मेरी अपनी शक्ल नहीं। छोटे छोटे बहन जो कोई छोटे बराबर। तो गाइस इन लड्डू का जो सेव है वो बहुत ही अच्छा आ रखा है, और इसमें थोड़ी मैंने भी बनाया है, तो थोड़ी जो मैंने बना रखी है उसमें दिख रहा है ये, इसमें थोड़ा सेव इसका प्रकार। ये वाली थाली भी पूरी भर जाएगी, बहुत मेहनत लगती है इस लड्डू को बनाने में। और मेरी सिस्टर तो दोनों हाथों से बना दे रही, अपने दोनों हाथ, अब मैं तो अपने दोनों हाथों से बना ही नहीं पाई, एक ही हाथ से बन रहा था। ये अपना बिजनेस खोल सकती है अगर चाहे तो, लड्डू बनाने का टैलेंट है इस लड़की में। हम बोल भी रहे हैं बना लो, वो अपना बिजनेस खोल लो, लड्डू बना लो। लड़की का हाथ भी जल गया बनाते बनाते, देखो मीठा ज्यादा हो गया था क्या? नहीं ठीक हो रहा था, ज्यादा मीठा भी नहीं है वो, मैंने देखा ना ठीक ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं जो एकदम दार, हाँ टेस्ट भी आ रहा है गुड़ का। जब हमें इतना लड्डू तैयार हो गए हैं, और ये हैप्पी इस लड्डू को टेस्ट करके बताएगा कि लड्डू कैसे बने। हैप्पी खुशी
कैसा हो रहा है? बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट हो रहा है बहुत। आ जाओ लेने के लिए जिसको भी। बाय बाय, हम कल मिलते हैं। बाय गाइस।